الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students and our YouTube viewers, السلام عليكم. आज हमारा रियल एनालिसिस का दूसरा लेक्चर है। हमने अपने पहले लेक्चर में सीक्वेंस और उनकी तमाम प्रॉपर्टीज के वो कब कन्वर्जेंट होती हैं और जो मजीद था वो हमने पढ़ लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज। आप बखूबी वाकिफ होंगे अपनी फर्स्ट से कि जब हम सीक्वेंस के टर्म्स को जमा कर लें, उनमें सम डाल दें, तो वो क्या कहलाती है आपकी सीरीज कहलाती है। ठीक है जी। तो इनफाइनाइट सीरीज जो है ये एक पेयर होता है कि सबसे पहले आप सीक्वेंस लेते हैं और फिर उस सीक्वेंस का पार्शियल सम करते हैं। पार्शियल सम कैसे है उसके लिए मैं आपको ये लिखाऊं कि ये आपके पास एक सीक्वेंस है जी बेटा। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस है जिसको हमने सेट फॉर्म में लिखा है। तो इसमें से एस वन जो है हमारे पास वो ए वन के बराबर है। एस टू से मुराद है कि ये सम है टू टर्म्स का इस सीक्वेंस की, तो वो है जी ए वन और प्लस ए टू के बराबर। सिमिलरली एस थ्री हमने लिखा है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री के बराबर, एंड सो ऑन। तो अगर मैं इन तमाम सम की, ये जो तमाम सम है ये क्या कहलाते हैं जी, आपके पार्शियल सम कहलाते हैं। और अगर मैं इन तमाम सम को इकट्ठा करके एक सेट में लिखूं तो ये कहलाती है आपके पास सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम। ठीक है जी। अगर मैं इस सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम का जो है वो उसकी एनथ टर्म बताऊं तो वो क्या होगी, वो होगी एस एन इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए के। ये तमाम एन की वैल्यू के लिए ठीक होगी। तो ये इस तरह आपके पास जो है वो पार्शियल सम का कंसेप्ट आता है। और ये क्या कहलाती है, चूंकि ये इन्फिनिटी तक जो है वो जा रही है, तो ये है जी आपके पास इनफाइनाइट सीरीज। हम ये इनफाइनाइट सीरीज को यूज क्यों करते हैं? इनफाइनाइट सीरीज आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू स्टडी द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। कि जब हमारे पास एक नंबर्स का सीक्वेंस हो तो हम हमें कैसे पता चले कि वो कन्वर्ज हो रहे हैं या वो डाइवर्ज हो रहे हैं, या इकट्ठे हो रहे हैं या वो फैल रहे हैं। तो उसके लिए हम सीरीज का कंसेप्ट जो है वो यूज करते हैं। देयर आल्सो यूज इन कैलकुलस टू रिप्रेजेंट फंक्शंस एज इनफाइनाइट सम ऑफ सिंपलर फंक्शंस। जो हमारे कंप्लेक्स फंक्शंस होते हैं या जो बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, तो ये इनफाइनाइट सीरीज की मदद से हम उनका क्या कर सकते हैं, सिंपलर फंक्शंस में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सारे छोटे छोटे पार्शियल सम उनके निकाल लेंगे, जिनको सबको अगर ऐड करें तो वो हमारे पास जो है वो कंप्लेक्स फंक्शन बन रहा हो। एडिशनली इनफाइनाइट सीरीज आर यूज्ड इन मेनी एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग नंबर थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड ज्योमेट्री। तो मैथमेटिक्स की इन फील्ड्स में भी आपके पास जो है वो इनफाइनाइट सीरीज यूज होती है। अब हम बात करते हैं जी कि सीरीज कन्वर्ज कब करती है। तो जिस सीक्वेंस से आपने वो सीरीज बनाई है, अगर वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगी तो फिर हम जो उसकी सीरीज होगी वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो ये हमारे पास सीक्वेंस की कन्वर्जेंस में पिछले लेक्चर में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। और वो क्या कि सर वो कैपिटल एन क्या होता है, कि जो उसकी डेफिनेशन थी कि अगर हम उसके लिमिट पॉइंट से एक खास नंबर के बाद वाली जो टर्म्स हैं वो माइनस करना शुरू करें तो उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, मॉड वाली वैल्यू है, वो क्या आनी चाहिए थी, लेस देन एप्सिलॉन। तो पूछा ये जा रहा था कि वो कैपिटल एन क्या चीज है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सीक्वेंस है ए एन जिसको मैंने खोल के लिखा है, और ये जो इंडेक्स है नीचे 1 2 3, इसमें आगे कहीं जाके हमारे पास ए कैपिटल एन भी पड़ा है और आगे उससे आगे सो ऑन, चूंकि इनफाइनाइट है तो ये खत्म नहीं होगी, और कहीं पर एक ए स्मॉल एन भी पड़ा है।
तो ये जो कैपिटल एन है बेसिकली ये हमने इंडेक्स में से चूज करना होता है। अब देखिए मैंने एक सीरीज जो ली है वो है 1/n, तो अगर मैं इसको खोल के सेट में लिखूं तो पहली टर्म क्या है 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन टू, जो एक कैपिटल एन है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 1/100 है एंड सो ऑन टू, ए एन भी कोई होगी या 1/n ही कह लें ए एन को। तो यहां पर जो स्मॉल एन है वो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस, ये बेसिकली सीक्वेंस के जो उसकी टर्म्स है ना उनकी तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी तादाद है, स्मॉल एन। और कैपिटल एन भी हमने कहां से लिया है, उसी इंडेक्स में से लिया है, और वो कोई भी टर्म्स हो सकती हैं, यानी कि आप 100 ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कैपिटल एन को जो है वो लेते हैं 100, तो हमारे पास स्मॉल एन क्या होगा, क्योंकि हमने एन स्मॉल एन को ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन लेना होता था, और एन क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो इस सीरीज का, ये सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, जीरो है, वो ए हमने लिया। तो अब डेफिनेशन अप्लाई करें कि जब मैं ए एन माइनस ए करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूं तो चेक करें क्या वो लेस देन एप्सिलॉन आती है, जी बिल्कुल। ए एन अब हमारे पास क्या है, चूंकि हमने एन कहां से लेना था, जो कि एन से बड़ा हो, तो अब एन कैपिटल एन हमारे पास क्या है 100, हमने जस्ट उससे अगला ले लिया, बड़ा भी ले लिया कि 101। तो 1/101 माइनस जीरो करें तो हमारे पास जवाब आता है 0.0099, जो कि लेस देन है किससे, आपके एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन आपने चूज किया हुआ है 0.1, ये भी आपने खुद से चूज करना होता है, एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है जो कि अप्रोच कर रहा होता है जीरो को, बट नेवर इक्वल्स टू जीरो। देखिए अगर मैं कैपिटल एन को जो है वो 4 लेता हूं, तो जो स्मॉल एन, चूंकि हमने कैपिटल एन से बड़ा चूज करना होता है, तो वो मैं 5 ले लेता हूं। तो अगर मैं इसको उसमें लिखूं तो 1/5 माइनस जीरो, तो 1/5 किसके बराबर होता है, 0.2 के। तो देखें इसका जवाब आपके पास जो है वो एप्सिलॉन से लेस नहीं आ रहा, इसलिए कैपिटल एन ये हमने खुद देखना होता है कि हमने क्या चूज करना है, कि जब उससे हम लिमिट पॉइंट माइनस करें उस कैपिटल एन की अगली टर्म्स में से, तो वो क्या आए, वो एप्सिलॉन से लेस आए। उम्मीद है कि पिछला कन्वर्जेंस का जो आपका कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होगा सीक्वेंस का। तो अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उससे बनाई गई आपके पास जो सीरीज है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। यहां पर इस पैराग्राफ में सेकंड लाइन, अ सीरीज इज सेट टू कन्वर्ज इफ द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम कन्वर्जेस टू अ फाइनाइट लिमिट अदरवाइज इट इज सेट टू बी डाइवर्ज। अगर एक सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है, वो कब कन्वर्ज करेगी, अगर हम उसकी पार्शियल सम की सीक्वेंस बनाएं, वो जो भी हम बना के हैं S1, S2, S3 एंड सो ऑन, कि उसकी सीक्वेंस की टर्म्स को जमा करके S1 बनाए, S2 में 2 टर्म्स, S3 में 3 टर्म्स, तो अगर मैं उन तमाम की एक सीक्वेंस बना लूं, फिर उसका बिहेवियर चेक करूं, क्या वो किसी फाइनाइट लिमिट को कन्वर्ज कर रही है, अगर वो फाइनाइट लिमिट को कन्वर्ज कर रही होगी वो सीक्वेंस, तो फिर उसकी सीरीज भी क्या करेगी आपके पास, कन्वर्ज करेगी। और अगर वो फाइनाइट लिमिट को नहीं आपके पास जो है वो कन्वर्ज कर रही, तो फिर वो क्या होगी, वो डाइवर्ज होगी। और बिल्कुल इसी तरह इसका भी इस्तेमाल काफी है हमारे पास एनालिसिस में, कैलकुलस में, और ये इस्तेमाल होता है आपके फंक्शंस के बिहेवियर को भी स्टडी करने के लिए, एंड सीक्वेंस ऑफ अ नंबर, और नंबर्स सीक्वेंस ऑफ अ नंबर्स को भी स्टडी करने के लिए ये यूज होता है। उसके बाद आपके पास कंसेप्ट है एब्सोल्यूट कन्वर्जन का, कि एक सीरीज जो है आपके पास इनफाइनाइट सीरीज की बात हो रही है, कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होगा। देखें एन इनफिनाइट सीरीज समेशन ए एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली इफ एंड ओनली इफ, के अगर हम उसके उस जो उसकी टर्म्स हैं उसमें से अगर कोई माइनस है तो उसको खत्म कर दें, यानी कि जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यूज लें उसकी, तो अगर उसकी सीरीज भी आपके पास कन्वर्ज हो जाए तो वो जो आपकी ओरिजिनल सीरीज है वो आपके पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जिस एब्सोल्युटली। आपने काम क्या करना है,
देखिए ऐसी सीरीज भी आपके पास आ जाती है ना, तमाम सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होती। अगर सिर्फ प्लस है उसमें टर्म्स में तमाम में, तो वो तमाम की तमाम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी होती हैं, कन्वर्जेंट भी होती हैं और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी होती हैं। लेकिन अगर किसी सीरीज में कोई टर्म जो है वो प्लस की है और कोई माइनस की है एंड सो ऑन चलती जा रही है, और आपने बताना है कि ये सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या नहीं, तो सबसे पहली बात ये है कि उसको कन्वर्जेंट होना लाजमी है। पहले वो कन्वर्जेंट होगी तब हम चेक करेंगे कि वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट भी है या नहीं, और क्या करेंगे उसकी टर्म्स का मॉड ले लेंगे, यानी कि जो जो टर्म्स माइनस वाली थी उनको प्लस करके चेक करेंगे अब नई सीक्वेंस क्या वो कन्वर्ज करती है। अगर वो कन्वर्ज करेगी तो फिर ओरिजिनल जो आपकी सीरीज थी वो क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है जी, यहां नीचे मैंने इंग्लिश में यही बात लिखी हुई है। हम ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट यूज क्यों करते हैं? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इज अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कन्वर्जेंस दैट गारंटीज दैट द सीरीज कन्वर्जेस इवन इफ द टर्म्स आर रीअरेंज्ड। देखिए सबसे अहम बात ये है कि जब हम फोरियर सीरीज पढ़ते थे ना, आप में से अक्सर ने बीएससी की होगी और फोरियर सीरीज उन्होंने पढ़ी होगी, वरना बीएस में भी ये हम अर्ली सेमेस्टर्स में जो है वो पढ़ लेते होते हैं फोरियर सीरीज का कंसेप्ट। तो हमें वहां पे अक्सर जरूरत पड़ती थी कि हम अपनी टर्म्स को रीअरेंज करें ताकि हमारी जो अप्रोक्सीमेशन है, ताकि जो हमारा आंसर है वो बेटर हो सके। तो जब हम आपकी जो टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, उनकी जगह को बदलते हैं, तो मुमकिन है कि सम चेंज हो जाए। क्या हो जाए? मुमकिन है कि सम चेंज हो जाए और आपकी सीरीज कन्वर्जेंट ना रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो माइनस वाला साइन है, नेगेटिव जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। तो इसीलिए अगर हम सीरीज की टर्म्स को रीअरेंज करें तो फिर क्या होगा, मुमकिन है कि उसका सम चेंज हो जाए, सीरीज का सम चेंज हो जाए, तो मुमकिन है वो कन्वर्जेंट भी ना रहे। तो इसीलिए हम ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का कंसेप्ट यूज करते हैं। और इसका काम क्या होता है कि उसमें जो टर्म्स नेगेटिव साइन वाली थी उनको कन्वर्ट कर दें पॉजिटिव में, मॉड ले लें उनका, और फिर चेक करें कि क्या वो कन्वर्जेंट है या नहीं। कन्वर्जेंट को चेक करने के लिए हमारे पास जो है वो बहुत सारे टेस्ट हैं जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। उसके बाद है जी कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब देखें, एक आपके पास सीरीज है वो तो कन्वर्ज कर रही है, लेकिन जब आपने उसकी एब्सोल्यूट सीरीज बनाई है तो वो कन्वर्ज नहीं कर रही, अब वो डाइवर्ज कर रही है। इस कंडीशन में क्या होगा, वो जो आपकी ओरिजिनल सीरीज होगी वो कहलाएगी कंडीशनली कन्वर्जेंट या कन्वर्जिस कंडीशनली। क्या बात थी, अभी जो ऊपर काम किया था सेम काम यहीं पर करना है। और करना क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज में जिन टर्म्स के साथ माइनस था उनको प्लस कर दें, और फिर जो सीक्वेंस बनेगी उसको चेक करें। आपकी ओरिजिनल सीरीज कन्वर्ज हो रही थी, लेकिन अब जो आपने काम किया है उसके बाद वो जो सीरीज बनी है वो आपकी डाइवर्ज कर रही है, तो फिर आपकी जो ओरिजिनल सीरीज है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट कहलाएगी। तो सिंपल सी बात, मैं इतनी सी बात करूं कि एक ऐसी सीरीज जो कन्वर्जेंट हो लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ना हो, आप उसे कह सकते हैं कि वो कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है। हम इसका कंसेप्ट क्यों यूज करते हैं? कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज इज अ सीरीज दैट कन्वर्जेस बट डज नॉट कन्वर्ज एब्सोल्यूटली। कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे शो दैट द ऑर्डर ऑफ समेशन मैटर्स। अब यहां से हमें देखें, वहां पे बात क्या थी कि अगर हम टर्म्स को रीअरेंज भी कर लेना तो मसला नहीं है, आगे पीछे कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, अगर वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है और आपने उसकी टर्म्स को रीअरेंज किया, ऑर्डर ऑफ समेशन को चेंज किया, तो फिर क्या होगा, वो उसका सम भी चेंज हो जाएगा, उसकी जो उसका जो बिहेवियर है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए हम अगर यही चेक कर लें कि वो हमें पहले से पता हो कि ये जो सीरीज है ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या आपके पास कंडीशनली कन्वर्जेंट है,
तो उससे हम ये भी बता सकते हैं कि इसकी टर्म्स को रीअरेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब आगे इंतहाई अहम और समझने के लिए भी आपने ये सब बीएससी के मेथड के चैप्टर नंबर 7 में जो है वो टेस्ट पढ़े होंगे। देखिए आपके पास पीपीएससी के पेपर में एमसीक्यूज जो आते हैं उसमें 1, 2, 3, 4 कम से कम इतने एमसीक्यूज लाजमी होते हैं कि जो सीरीज या सीक्वेंस का बिहेवियर पूछा जाता है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, या ये सीरीज है तो ये कौन सी है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीरीज है, इस तरह की ये जो है वो आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये ऑसिलेटरी सीरीज है या नहीं, तो ये तमाम बातें पीपीएससी में पूछी जाती हैं। अब बात इस तरह से है कि हमने ये कंसेप्ट इतना लेना है कि हमें एक तो उसका बेसिक थीम समझ आ जाए। देखें पीपीएससी के पेपर का पैटर्न सबसे पहले समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। अगर तो आप टेंशन ले लेते हैं ना कि जी मुझसे ये काम नहीं होता था, मुझसे कंपैरिजन टेस्ट से सवाल सॉल्व नहीं होते थे, तो बेटा अब हमने सवाल सॉल्व नहीं करना, अब हमने जो है वो बेटर रिजल्ट की तरफ जाना है कि अगर हमारे पास कोई सवाल पूछा गया हमसे और नीचे 4 ऑप्शन हैं तो बाकी 3 ऑप्शंस को हम गलत कर सकते हैं। अगर हम गलत करने के काबिल हैं तो वो जो बाकी बचा हुआ होगा वो ठीक होगा। तो एमसीक्यूज करने का मेरा तजर्बा भी है और बे इंतहा मैंने लोगों से पूछा है कि जब वो एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं तो उनका तरीकाकार क्या है। आप सब मुमकिन है कि सिर्फ सही ऑप्शन को ढूंढने में लगते हैं। अगर आप सही ऑप्शन ढूंढने में लगेंगे तो पीपीएससी बेटा उस लेवल का टेस्ट है कि जिसमें आपको तमाम जो ऑप्शंस हैं वो ठीक लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इल्म जो है वो अधूरा होता है किसी भी चीज के हवाले से, हम तमाम बातें नहीं जानते होते। और फिर दूसरी अहम बात यह है कि हम इतना सारा डाटा मवाद दिमाग में लेके बैठे होते हैं कि 2 एमसीक्यूज जो हैं वो कम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछे उसने और अगले 2 रियल से हैं, अगले 2 जो हैं वो ग्रुप थ्योरी से हैं, और वो फिर वो हमें वेक्टर पे ले गया, फिर हमें टोपोलॉजी पे ले गया। तो जब हमारा दिमाग का शराजा जो बिखरता है ना तो जो चीज आती होती है वो भी हमें भूल जाती है। तो इन टेस्ट को इसी तरह सिर्फ जस्ट बताने, बगैर किसी एग्जाम्पल को सॉल्व करवाए बताने का मकसद आपको ये है कि आपको एक तो टेस्ट रिवाइज हो, फिर वो जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैं उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा कि जो आप सॉल्व करेंगे। मैं बताऊंगा कि कब कौन सा टेस्ट लगता है। अक्सर का ये सवाल होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस सवाल पे हमने कौन सा टेस्ट लगाना है। तो बेटा ये है आपकी नजर का कमाल, हमारे पास कोई एक वाहिद ऐसा टेस्ट मौजूद नहीं है जिससे हम हर सीरीज को जान सकें कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। हमें सीरीज की जो है वो शक्लो सूरत देख के ये खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो है वो कन्वर्जेंस है या सॉरी इसके ऊपर कौन सा टेस्ट लगाया जाए। इसलिए आपको ये पता हो कि टेस्ट का नाम क्या है और उसका काम क्या है। अगर आप सिर्फ ये 2 बातें जानते होंगे तो फिर आप मुझसे गारंटी लेंगे कि जब आपके सामने कोई सीरीज आएगी तो बेहतर उस पे जो है ना वो परफॉर्म कर सकेंगे, आप बेहतर तरीके से गलत ऑप्शंस ढूंढ सकेंगे। आप से ये जहन बना लें कि आइंदा जब भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपके कोई एमसीक्यू सेंड करूं तो आपने कभी भी उसमें से जो है ना वो सही ऑप्शन नहीं ढूंढना, बल्कि सबसे पहले गलत ऑप्शन तलाश करें और जाने कि ये गलत ऑप्शन क्यों गलत था या क्यों गलत है। फिर जो बाकी बचे बगैर मतलब कोई दलील लिए, बगैर अपने इल्म से उसको साबित किए, आप उसको टिक कर दें। तो देखें दलीलें देना जो है वो मुश्किल काम है, जबकि किसी की बात को झुटलाना या किसी ऑप्शन को गलत करार देना ये थोड़ा सा कदरे आसान है, ठीक है जी, क्योंकि कंट्राडिक्शन बहुत कम है और प्रूफ्स और उनके तरीके बहुत ज्यादा हैं। तो ये बड़े काम की बात है जो मैंने पहले तो सोचा था कि मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन जब मैं आज के लेक्चर तैयार कर रहा था तो मुझे ये टेस्ट पढ़ाते वक्त और फिर जब बहुत सारे मुख्तलिफ सवाल, तो वो डाटा इतना सारा हो रहा था कि मैंने वो सारा इसमें से रिमूव किया कि मैं आज सिर्फ ये समझाऊंगा कि आपने एमसीक्यूज सॉल्व कैसे करने। तो अगर आपको इल्म हो तो देखें क्या आपको वो काम आता है।
आज के टेस्ट के एंड में मैंने काफी सारे 20-25 एमसीक्यूज जो है वो सिर्फ इसी बात पे रखे हैं कि आप चेक करें कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो वो मैं आपको दूंगा और फिर उसका सलूशन हम जो है वो अपने जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हम उसमें जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप इसको समझें और दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। उन एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आप इनको रिवाइज करेंगे, अच्छी तरह पहले याद रखेंगे कि करना क्या है, उसके बाद उन एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे और फिर देखेंगे आपके कितने एमसीक्यूज ठीक होते हैं, उसके बाद मैं आपको उनका सलूशन दूंगा और फिर हम उस पर जो है वो डिस्कशन करेंगे। लेक्चर पे डिस्कशन लेक्चर के दौरान ही होगी। तो कन्वर्जेंस टेस्ट फॉर इनफिनाइट सीरीज, सबसे पहला टेस्ट है आपका, सबसे पहला काम है वो है जी नेसेसरी कंडीशन। ये जस्ट नेसेसरी कंडीशन है, ये सुफिशिएंट कंडीशन नहीं है, यानी कि इसमें इफ एंड ओनली इफ वाली बात नहीं है, ये जस्ट नेसेसरी कंडीशन है, जस्ट इफ वाली कंडीशन है कि अगर एक सीरीज कन्वर्ज हो रही है, हमें पता है कि ये कन्वर्जेंट है, तो अगर हम उसकी nth टर्म उठा के उस पर लिमिट अप्लाई करें और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो वो जीरो आएगी। ये मस्ट है, क्या भला कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो हम उसकी nth टर्म पर अगर लिमिट लगाएं और लिमिट में क्या हो कि वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रही हो, तो वो लाजमी तौर पर क्या आएगी जी, जीरो आएगी। लेकिन ऑपोजिट बात नहीं है, कन्वर्सली ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये सुफिशिएंट कंडीशन हमारे पास नहीं है कि अगर किसी सीरीज की जो nth टर्म है उसकी लिमिट जीरो को अप्रोच कर रही है तो क्या लाजमी तौर पर वो सीरीज कन्वर्ज करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक बड़ी कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको दूं, और वो एग्जाम्पल है जी आपके पास 1/n हार्मोनिक सीरीज, समेशन n इज वेरी फ्रॉम 1 to infinity 1/n। देखिए जब मैं इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूं 1/n पर, तो 1/∞ आएगा और इसकी लिमिट जीरो को अप्रोच कर रही होगी। लेकिन आप सब बखूबी वाकिफ होंगे कि ये जो हार्मोनिक सीरीज है आपके पास, ये डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट नहीं होती। हार्मोनिक सीक्वेंस जस्ट 1/n की बात करेंगे तो वो कन्वर्जेंट है, लेकिन जब इसकी सीरीज बना लेंगे, समेशन 1/n डाल देंगे, तो फिर ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये इस बात की जो है वो काउंटर एग्जाम्पल भी है कि अगर लिमिट जीरो को अप्रोच कर रही है तो लाजमी नहीं है कि वो कन्वर्ज कर रही हो सीरीज आपकी, लेकिन अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो उसकी nth टर्म की जो लिमिट है अपॉन इंफिनिटी वो लाजमी तौर पर जीरो हो। तो ये एक सीखने की बात थी, उम्मीद है ये समझ आई होगी, मैंने रिपीट काफी दफा किया है। अब हमारा दूसरा जो टेस्ट है हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास एक जो सीक्वेंस है पार्शियल सम की, हमने सीरीज की क्या किया है, सीरीज के लिए क्या किया है, हमने उसकी सीक्वेंस बनाई फिर पार्शियल सम फाइंड आउट कर लिए। अगर वो, अभी ये बात मैंने पहले भी की थी कि अगर उसकी पार्शियल सम की सीक्वेंस किसी लिमिट एल को कन्वर्ज कर रही है तो आपके पास जो वो ओरिजिनल सीरीज होगी वो भी उसी लिमिट एल को कन्वर्ज करेगी। यानी कि किसी भी सीरीज की आप सीक्वेंस बनाएं फिर पार्शियल सम की सीक्वेंस बनाएं, पार्शियल सम की सीक्वेंस का बिहेवियर आप चेक कर लें। देखिए ना, आप पार्शियल सम जो बना रहे होंगे उसकी सीक्वेंस, उसमें बहुत सारी टर्म्स इकट्ठी होके पड़ी होंगी, आपके पास सम हुआ हुआ पड़ा होगा, तो उसका बिहेवियर स्टडी करना जरा सा ईजी है। तो लिहाजा आप इस बात का बड़े ही अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है वो आपके पास कन्वर्ज कर रही है किसी लिमिट को, तो वो जो ओरिजिनल सीरीज थी उसकी लिमिट भी वही होगी और वो भी उसी को कन्वर्ज कर रही है। हाँ जी, उसके बाद है जी आपके पास काशी क्राइटेरियन। ये कोई टेस्ट नहीं है लेकिन ये तरीकाकार है जी आपके पास कि अगर एक सीरीज जो है आपके पास कन्वर्जेंट हो तो फिर हर एप्सिलॉन के लिए एक कैपिटल एन जो कि पॉजिटिव इंटीजर है वो एग्जिस्ट करेगा, कि जब हम उनसे बड़े कोई नंबर लें, इंडेक्स लें, उससे अगली टर्म्स उठाएं उस आपके पास पार्शियल सम वाली सीक्वेंस से, तो उनका जो डिफरेंस है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए एप्सिलॉन से। ये बिल्कुल वही काम है वो जो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस आपने पढ़ी है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका
कि अगर दो आपके पास सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हैं तो उन सीरीज का जो सम है प्लस कर लें चाहे माइनस कर लें वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर दो सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट हैं तो लाजमी तौर पर उनका सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब ये जो पांचवा टेस्ट है ये इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन टेस्ट, और इसके बाद वही लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो ये एक समझ आ गया, दूसरा खुद ही आ जाएगा आपके पास। ये कंपैरिजन टेस्ट आप किसी पर भी लगा सकते हैं, आपने जो कंपेयर करने वाली आपके पास सीरीज है ना वो खुद से चूज करनी होती है। चूज कैसे करनी है ये भी हम सीख लेंगे किसी भी एग्जाम्पल में या अपनी डिस्कशन में। कि देखिए आज के लेक्चर में मैं खुद से आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं कि आप मुझसे क्वेश्चन करें। हमने पिछले लेक्चर में मुझे बहुत सारे बच्चों ने ये जवाब दिया, सर मैंने ये पूछना था उसने वो पूछ लिया, या आपने ये तमाम बातें जो है वो एक्सप्लेन कर दी थी तो लिहाजा क्वेश्चन मेरा ये था वो मेरा क्लियर हो गया। आज मुझे पता है कि मैंने क्या बताया है और क्या नहीं बताया, वो आप मुझसे पूछेंगे लाजमी। हमारा इस लेक्चर का, इस तैयारी का मकसद सिर्फ यही है कि एक तो आपको सवाल करना आ जाए, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़े, ताकि जब आप पीपीएससी के लिए इंटरव्यू देने जाएं, अल्लाह करे आपका टेस्ट पास हो, तो आप उनके सामने बोल सकें, आप सवालात के जवाब दे सकें, आपसे सवाल पूछा जाए आप उसके जवाब में कोई सवाल पूछ सकें। तो जी आपका कंपेरिजन टेस्ट क्या है कि हमारे पास दो सीरीज हैं पॉजिटिव टर्म्स की। देखिए आप जो भी सीरीज लेंगे ना उसमें अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं होगी, वो सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स वाली सीरीज ही लेनी है आपने। ये तमाम टेस्ट उस पर लगते हैं, और अगर अल्टरनेटिंग आ गई है माइनस वन की पावर एन है उसमें तो उसके लिए टेस्ट भी फिर कोई और है। तो अब ये दो सीरीज हैं जिनकी टर्म्स आपके पास पॉजिटिव हैं, इसमें से एक जो सीक्वेंस है आपके पास ए एन वो छोटी है आपकी बी एन से, ठीक है जी। तो अगर आपकी बड़ी सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो फिर लाजमी तौर पर छोटी भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। जाहिर है अगर बड़ी ही सुकड़ रही है तो छोटी हमने उसी में से निकाली है, उसी से रिलेटेड है, तो फिर लाजमी बात है किसी भी एक महदूद चीज में कोई लामहदूद चीज जो है वो समा नहीं सकती, ठीक है जी। ये बड़ी आसान बात है जो याद रखने के लिए काम आएगी कि किसी भी महदूद छोटी चीज में कोई लामहदूद बड़ी चीज समा नहीं सकती। तो इसलिए अगर बड़ी कन्वर्ज कर रही है तो आपकी छोटी भी ऑटोमेटिकली क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ये जो दो सीरीज ऊपर ली हैं, या अगर एक सीरीज है और दूसरी हमने खुद चूज करनी है तो दूसरी चूज ऐसी करेंगे जिसका बिहेवियर हमें पहले से पता होगा। जैसे हमें पता है कि आयलर सीरीज जो है आपकी वन ओवर एन स्क्वेयर ये हमेशा क्या करती है, कन्वर्ज होती है, और वन ओवर एन जो आपकी हार्मोनिक सीरीज है वो डाइवर्ज करती है। तो हम इनके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं या इसके किसी भी फॉर्म में, या फिर आगे एक पी सीरीज टेस्ट आ रहा है वो भी एक फॉर्म बनती है आपकी, बी एन को चूज करने में आपके लिए आसानी रहेगी। और इसी तरह अगर आपकी छोटी डाइवर्ज कर रही है तो फिर बड़ी ऑटोमेटिकली आपकी क्या करेगी जी, वो डाइवर्ज करेगी। इस पर भी वही बात आप लगा लें कि कोई महदूद चीज में लामहदूद चीज मौजूद नहीं हो सकती, ठीक है जी। अब उसके बाद है आपके पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इसमें भी आपके पास दो सीरीज होंगी, आपने क्या करना है उन दो सीरीज का प्रोडक्ट कर लेना, ठीक है जी। ये प्रोडक्ट कर लें या इसको डिवाइड कर लें और फिर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करें और वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आए। लिमिट अप्लाई करने के बाद उनका जवाब जो है वो जीरो ना आए, कोई और वैल्यू आ जाए, वन टू थ्री इंफिनिटी कुछ भी, तो या तो बोथ जो है वो कन्वर्ज कर रही होंगी या बोथ जो है वो डाइवर्ज कर रही होगी, ठीक है जी। वो फिर बिहेवियर हमें किसी और टेस्ट से उसका जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसका जो दूसरा पॉइंट जहां पे ये एग्जैक्ट बताता है कि अगर लिमिट का जवाब जो है वो जीरो के बराबर आ गया है और हमें बी एन का बिहेवियर पहले से पता था, हमने खुद भी चूज की है या गिवन ही है, और वो बी एन जो है वो कन्वर्ज कर रही है, तो फिर ए एन भी आपके पास बेटा क्या करेगी, कन्वर्ज ही करेगी।
तो ये कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इन दोनों को मिला के पढ़िएगा, ये आपको समझ आएंगे। और तीसरी बात है जी, अगर लिमिट का जवाब इन्फिनिटी आ रहा है, हाँ जी, वहां पर जो नॉट इक्वल्स टू जीरो है वो जस्ट फाइनाइट वैल्यू है, वो इन्फिनिटी नहीं है। लेकिन अगर आप इन्फिनिटी आ जाए और आपकी जो बड़ी सीरीज है वो डाइवर्ज कर रही है, बी एन जो है वो डाइवर्ज कर रही है, बड़ी ना भी हो, तो ए एन बी आपकी क्या करेगी जी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है जी, उसके बाद है आपका काशी इंटीग्रल टेस्ट के, आपके पास अगर एक सीरीज है, बेटा ये 3 मिनट रह गए, उसके बाद जो है आप दोबारा, क्योंकि ये 40 मिनट की ही मीटिंग होती है, मैंने पूरे 8 बजे शुरू की थी, तो आप दोबारा इसी लिंक पर आएंगे, मैं सिर्फ आज के लेक्चर का भी आपको दिए 2 मिनट में, ताकि फिर मैं ये नए लेक्चर में, नई रिकॉर्डिंग में काशी इंटीग्रल टेस्ट से ही शुरू करूं दोबारा। तो उसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो आगे यूज भी हो रहे हैं, तो ये तमाम टेस्ट के। जी बेटा आवाज आ रही है सबको? जी, अब हमारे पास काशी इंटीग्रल टेस्ट है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज हो और हम वो उसकी सीक्वेंस उठा लें, जस्ट समेशन हटाएं, तो आपको पता है कि पीछे सीक्वेंस बचती है, तो एक जो सीक्वेंस है उसकी nth टर्म जो है उसको एज अ फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं, और फंक्शन का बिहेवियर चेक करना हो कि वो कंटिन्यूस है या नॉन इंक्रीजिंग है, बड़ा आसान काम है, तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए और नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए, किसके ऊपर, ओवर द इंटरवल 1 to infinity, 1 शामिल है। तो अगर ये आपके पास जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी, कब, जब हम उस फंक्शन की इंटीग्रेशन करें और उसका जवाब जो है हमारे पास वो क्या हो, कोई फाइनाइट वैल्यू हो, वो कन्वर्ज करे, तो फिर आपके पास जो सीरीज है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है। क्या काम करना है काशी इंटीग्रल टेस्ट में, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ये एक अच्छा टेस्ट है यूज करने के लिए। आपने क्या करना है, आपके पास सीरीज गिवन हो तो उसकी जो nth टर्म है उसको एज अ फंक्शन यूज करें, पहले देख लें कि क्या वो कंटिन्यूस है और नॉन इंक्रीजिंग है ओवर द इंटरवल 1 to infinity, तो फिर उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें, उस nth टर्म को इंटीग्रेट कर दें, लिमिट डालें 1 to infinity और देखें क्या उसकी कोई वैल्यू फाइनाइट आई है। अगर वो कन्वर्ज कर रही है किसी एक वैल्यू को, तो फिर आपकी जो सीरीज है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ये जो आगे वाले टेस्ट हैं 8, 9 और 10, ये हमारे पास इंतहाई अहम है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले भी यही हैं। आपके पास रेशियो टेस्ट जो है वो क्या कहता है कि एक सीरीज हो पॉजिटिव टर्म्स की, आप उस सीरीज में से अगली टर्म को उठा लें और उससे पिछली टर्म से उसको डिवाइड कर दें और लिमिट डालें एन टेंड्स टू इंफिनिटी, तो अगर उसका जवाब लेस देन 1 आए लिमिट का, तो वो जो सीरीज है आपके पास कन्वर्ज होती है, और अगर वो ग्रेटर देन 1 आए तो वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है। ये टेस्ट जो है आपका रेशियो टेस्ट, ये इंतहाई मुफीद है अगर आपके पास किसी सीरीज में फैक्टोरियल टर्म्स मौजूद हैं, उसमें फैक्टर्स मौजूद हैं, फैक्टोरियल जो है आपके पास वो मौजूद हैं, या वो एन इंटू एन प्लस वन कोई एक खास सीक्वेंस चल रही है आपके पास, वो ज्योमेट्रिक भी हो सकती है, तो आप उसमें भी इस रेशियो टेस्ट को यूज कर सकते हैं और इसका जवाब बड़ी आसानी से आ जाएगा। और अगर ये टेस्ट इस लिमिट का जवाब इज इक्वल टू 1 आए, तो आपके पास जो रेशियो टेस्ट है वो फेल होता है, तो फिर हम कोई और टेस्ट लगाते हैं उधर। ठीक है जी, क्या करना है हमने, हमने उस सीरीज की एक टर्म उठानी है, पिछली टर्म से उस टर्म को डिवाइड करना है, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है, और अगर उस लिमिट का जवाब लेस देन 1 आए, लिमिट सॉल्व करना तो बेटा सेकंड ईयर का काम है, अगर उसमें कोई मसला है तो उसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर उसका जवाब लेस देन 1 आए तो वो जो आपके पास सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी, और अगर उसका जवाब ग्रेटर देन 1 आए तो वो जो सीरीज है वो आपके पास कन्वर्ज करेगी। और मैंने एक और बात बताई है इधर जो यहाँ लिखी नहीं है, कि रेशियो टेस्ट वहां पर यूज करें आप जहां पे आपके पास सीरीज में फैक्टोरियल टर्म्स मौजूद हों। ठीक है जी, उसके बाद है जी आपके पास काशीज रूट टेस्ट, तो इसमें भी आपके पास सीरीज हो और ये
हमने क्या करना होता है, उसका nth रूट लेना होता है, यानी कि उस सीरीज की जो nth टर्म है उसकी पावर क्या ले लें जी, 1/n ले लें, nth टर्म की पावर 1/n ले लें और लिमिट अप्लाई करें। अगर उसका जवाब लेस देन 1 आए तो कन्वर्ज होगी, और अगर ग्रेटर देन 1 आए तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और रूट टेस्ट भी इंतहाई मुफीद है, कब, जब आपके पास कोई ऐसी सीरीज हो जिसमें एन जो है वो पावर्स में आ रहा हो, एन आ रहा हो, एन स्क्वेयर आ रहा हो, एन की कोई भी कॉम्बिनेशन है, जस्ट चेक ये करना है क्या एन पावर में आ रहा है। अगर एन पावर में आ रहा है, बगैर सोचे समझे रूट टेस्ट लगाएं, ये आपको जरूर जवाब देगा। मुमकिन है किसी सवाल में फेल भी हो जाए तो फिर हम उसके मुतल्लिक जो है वो कोई और टेस्ट से उसका फैसला करते हैं। देखें पीपीएससी में 90 मिनट्स होते हैं, आपके एमसीक्यूज ट्रिकी होते हैं, वो सॉल्व एबल नहीं होते, यानी कि ऐसे नहीं होते कि जिनको आप 5 मिनट लगा के पूरा सवाल सॉल्व करें। तो मैं पीपीएससी को अटेम्प्ट करने का आपको तरीका जरूर बताऊंगा कि पहले कौन से एमसीक्यूज लगाने, बाद में कौन से लगाने, कौन सा एमसीक्यूज आपने कब बैठ के सॉल्व करना है, कितना टाइम रहता हो तो उस पर टाइम लगाएं, अदरवाइज क्या करें। ये तमाम बातें जो है वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में, हम अपनी आने वाली सीरीज में जो है वो लेक्चर्स की वो करते रहेंगे साथ साथ, जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी। तो बहरहाल आपका रूट टेस्ट कब अप्लाई होता है, जब आप जी जी सर रेशियो टेस्ट दोबारा रिपीट कर दें। ठीक है, तो रेशियो, ये रूट टेस्ट बता रहा हूं मैं, अभी बात कंप्लीट हो जाए कि रूट टेस्ट हमने कब यूज करना है, जब हमारे पास सीरीज की जो पावर हो उसमें क्या हो, एन हो। हाँ जी, रेशियो टेस्ट में ये था, हमारे पास सीरीज होगी जिसमें फैक्टोरियल मौजूद हो, ठीक है जी, एन फैक्टोरियल, एन प्लस वन फैक्टोरियल या इस तरह की कोई भी टर्म इसमें मौजूद हो, तो हमने क्या करना है इस सीरीज की, इस सीक्वेंस की, जाहिर है सीरीज समेशन हटा दें तो वो बाकी आपके पास सीक्वेंस बचती है, उसकी एक टर्म उठानी है एनएच टर्म, उससे एक पिछली टर्म से उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। या ऐसे कर रहे ना आप, उसकी एनएथ टर्म उठाएं, उसमें एन प्लस वन जो है वो पुट करें और फिर उसको उसकी एनएथ टर्म से क्या करवा दें, डिवाइड करवा दें और लिमिट अप्लाई करें, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अगर उसका जवाब लेस देन वन आता है तो आपकी जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, और अगर आपके पास उसका जवाब ग्रेटर देन वन आता है तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। आपने क्या करना है, एनएथ टर्म में, एनएथ टर्म जाहिर है ए एन है, उसमें एन प्लस वन पुट कर दें एन की जगह पर और फिर उसको उसकी एनएथ टर्म से क्या करवा दें, डिवाइड करवा दें और उस पर लिमिट को अप्लाई कर दें, फिर जवाब देखें लेस देन वन आता है या ग्रेटर देन। सर आप दोनों दफा कन्वर्जेंस कह रहे हैं। हाँ बेटा सॉरी, ये लिखा हुआ है, चलिए ये आप सवाल में कह सकते थे, ये ग्रेटर देन वन वाले में ये डाइवर्जेंस है, वो गलती से लिखा गया। जब आपकी ये जो लिमिट है ग्रेटर देन वन आए तो आपकी जो सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी। सॉरी आगे चलें, लेबनीज टेस्ट, बेसिकली ये लेबनीज टेस्ट जो है आपका, ये अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी होता है। देखें ये एक पहला टेस्ट आया है आपके पास के जिसमें आपकी जो सीरीज है वो अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग से क्या मुराद है कि उसकी जो कुछ टर्म्स हैं वो प्लस में हैं और कुछ जो है वो माइनस में है और बिलतरतीब आ रही हैं, तो ऐसी सीरीज जो है आपकी वो कन्वर्ज करेगी कब, अगर उसकी जो सीक्वेंस है वो नॉन इंक्रीजिंग हो। नॉन इंक्रीजिंग से मुराद जब आपने उस सीरीज की सीक्वेंस बनानी है तो चेक करना है क्या उसकी टर्म्स बढ़ तो नहीं रही, कम हो रही है ना, अगर कम हो रही है तो फिर उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें और चेक कर लें क्या वो जीरो आती है। अगर जीरो आती है तो आपकी जो सीरीज है वो क्या करेगी जी, कन्वर्ज करेगी। अल्टरनेटिंग सीरीज के मुतालिक मैं ये पॉइंट नंबर 12 में भी मैंने जरा एक्सप्लेन किया है, तो ये लेबनीज टेस्ट ही अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट कहलाता है, तो ये वहां पर भी आपको समझ आ जाएगी। अब है जी पी सीरीज टेस्ट, जो आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी टेस्ट की निस्बत, कब, जब सीरीज की शक्ल हो इस तरह की के 1/n हो और उसकी कोई पावर हो पी,
पी इज जस्ट अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, कोई भी पावर हो, होल पावर। तो अगर आपने सिर्फ उस पावर को देखना है, अगर वो जो है वन से बड़ी है, तो वहां पे सीरीज जो है आपकी कन्वर्ज हो जाएगी। और अगर वन है या वन से छोटी है, वन है या पावर वन से छोटी है, मिसाल के तौर पे वन बाय टू है या वन बाय थ्री है पावर, तो उस सूरत में जो आपकी सीरीज है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। वन से बड़ी कन्वर्ज, और वन या वन से छोटी पर वो डाइवर्ज। ठीक है जी, अब दोबारा आ जाते हैं जी अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट पर। तो एक ऐसी सीरीज, ये द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट स्टेट्स दैट इफ अ सीरीज सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन, अगर आपके पास जो सीरीज है वो इन तीन कंडीशंस को फुलफिल करती है, तब आप इसके ऊपर जो है ये टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, द टर्म्स ऑफ द सीरीज अल्टरनेट इन साइन, कि एक प्लस हो, दूसरी माइनस, तीसरी फिर प्लस, फिर माइनस। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टर्म्स डिक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस, तो आपकी जो टर्म्स हैं वो, मैंने जैसे ऊपर बात की कि वो नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए, जैसे जैसे आप आगे जाएं तो उसकी टर्म्स जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो, तो इस सूरत में आप जो है ये अप्लाई करेंगे। द लिमिट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टर्म्स एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज जीरो, और उसकी लिमिट भी किसके बराबर आनी चाहिए, जीरो के बराबर आनी चाहिए। देन सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज होगी। अगर इसमें से एक भी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती और वो अल्टरनेटिंग भी है लेकिन उसकी लिमिट जीरो को अप्रोच नहीं कर रही, तो फिर मुमकिन है कि वो क्या हो जाए, डाइवर्ज हो जाए। मैंने इधर मिसाल में ये बात समझाई हुई है। अब ये कुछ सीरीज हैं और उनका बिहेवियर मैंने जस्ट लिखा है। जैसे ये वन ओवर एन है, तो देखें पी सीरीज टेस्ट ही इसके ऊपर अगर लगाएं तो एन की पावर यहां पर वन है। पी सीरीज टेस्ट क्या कहता था कि अगर पावर जो है वो वन हो या वन से छोटी हो तो आपकी सीरीज डाइवर्ज करती है, तो बगैर सोचे समझे जो है वो डाइवर्जेंट। बिल्कुल नीचे मैंने पी सीरीज टेस्ट को ही लिखा हुआ है, तो वन ओवर एन पी, और पी जो है वो वन से बड़ा है। अब चूंकि वो वन से बड़ा है तो फिर वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये जो आपके पास नीचे तीसरे नंबर पे सीरीज है वन ओवर वन प्लस एन स्क्वायर, इसको आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से या जस्ट कंपैरिजन टेस्ट से आप इसको कन्वर्जेंट प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ बोल के समझाता हूं यहां पर कि ये जो आपके पास टर्म है जस्ट वन प्लस एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर से तो बड़ी होगी ना। नीचे वाली टर्म की बात कर रहा हूं, वन ओवर की नहीं। वन प्लस एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू एन स्क्वायर, तो अगर मैं इसको पलट दूं तो आप जानते हैं कि पलटने से इक्वालिटी चेंज हो जाती है, इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो वन प्लस एन स्क्वायर जो है वो एन स्क्वायर से बड़ी थी, लेकिन अब जब पलटने के बाद वन ओवर एन स्क्वायर वो लेस हो जाएगी, किससे भला, आपकी वन ओवर वन प्लस एन स्क्वायर से। तो फिर आप वो देखें उस टेस्ट को, कंपेरिजन टेस्ट को, कि अगर बड़ी जो है वो कन्वर्ज कर रही है तो छोटी भी जो है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब आ जाए नीचे वाली चौथी, टेन इनवर्स एन ओवर वन प्लस एन स्क्वायर। तो अब जब आपके पास ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हों सीरीज में, तो आपको इनकी डोमेन और रेंज याद होना इंतहाई जरूरी है। देखें टेन की जो डोमेन है वो टेन इनवर्स की रेंज बनेगी, और उसकी प्रिंसिपल डोमेन है आपके पास माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। प्रिंसिपल डोमेन क्या होती है कि जिसपे उसकी सबसे बड़ी वैल्यूज भी आ जाएं और छोटी वैल्यूज भी आ जाएं, तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो माइनस पाई बाय टू छोटी वैल्यू है और पाई बाय टू बड़ी वैल्यू है। आप इसके मुताबिक इससे जो है वो कंपैरिजन टेस्ट लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका सोल्यूशन आपको बतौर नमूना वो आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उधर से देख के इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ये नीचे जो है वो अल्टरनेटिंग सीरीज है, माइनस वन की पावर एन पड़ी है, तो जब आप इसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इसकी निकालते हैं, मतलब माइनस वन की पावर एन को छोड़ दें अगर, तो जो बाकी बचता है वन ओवर एन लॉग एन, तो वो आपके पास क्या है, वो है जी आपके पास कन्वर्जेंट, और वो भी
एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे जी, ये इसका जो बिहेवियर है वो क्या होगा, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा। नीचे वाली जो सीरीज है वो नजर ही आ रही है कि वो हार्मोनिक सीरीज है, तो ऐसी सीरीज भी आपके पास जो है वो क्या करती है जी, डाइवर्ज करती है। इसमें भी आप कोई भी टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कंपैरिजन टेस्ट भी, और अगर मैं इस पूरे को कोई एन नाम दे दूं पी टेस्ट से भी ये आपके पास डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो क्या ऐसा कोई टेस्ट मौजूद है कि जिससे हर तरह की सीरीज को चेक किया जा सके कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट? तो इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं, तो देयर इज नो सिंगल टेस्ट, कोई भी ऐसा अकेला टेस्ट नहीं है जिससे हर तरह की सीरीज का पता लग सके कि वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। ये हमें चूज करना पड़ता है खुद से, जो कि डिपेंड करता है कि आपके पास जो सीरीज दी गई है वो है किस तरह की। इन जनरल द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस इंक्लूड द कंपैरिजन टेस्ट, द रेशियो टेस्ट एंड द रूट टेस्ट। ये तीनों टेस्ट जो है आपके पास, और इंटीग्रल टेस्ट भी उसके बाद, और फिर अगर अल्टरनेटिंग हो तो जस्ट अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे आप। आप याद रखें कि अगर कोई एक टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर मुमकिन है कि कोई दूसरा टेस्ट भी यूज हो रहा हो, तो अगर कोई ऐसी चीज बनती है तो वहां पर आप दूसरा टेस्ट यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर रेशियो टेस्ट में या रूट टेस्ट में आपने जब पावर लिए 1/n सॉल्व किया है तो वहां पर जो है वो 1/n3 बन गया है, 1/n की पावर 3। तो देखें 1/n की पावर 3 का आप बिहेवियर किससे चेक करेंगे, वो आप टेस्ट जो पी टेस्ट है आपका उससे चेक कर लेंगे कि अगर पावर जो है वो 1 से बड़ी हो तो वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो रूट टेस्ट में भी आप पी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ये 4-5 टेस्ट हैं। अगर आप इनका कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और चंद सवालात पर प्रैक्टिस करते हैं, उम्मीद है जब आप ये MCQ सॉल्व कर रहे होंगे और ये टेस्ट अप्लाई करेंगे तो इनकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपके पास किसी भी तरह का सवाल हो आप जब सीरीज वाइज टेस्ट देंगे हमारे उसमें भी आपका ये जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ऑसिलेटिंग सीरीज की तरफ आते हैं, ऑसिलेटिंग सीरीज क्या होती है, इसकी भी टर्म्स जो है वो अल्टरनेट इन साइंस हो, लेकिन याद रखें फर्क क्या है कि हम अल्टरनेटिंग कहें और वो ऑसिलेटिंग सीरीज। ऑसिलेटिंग सीरीज जो है वो जस्ट किसी दो वैल्यूज के दरमियान ऑसिलेट करती है, या तो जवाब -1 आता है या जवाब 1 आता है, जबकि अल्टरनेटिंग सीरीज में जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन जस्ट उनके साइन जो है वो चेंज होते हैं, किसी पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ऑसिलेटिंग सीरीज में साइन तो होते ही होते हैं लेकिन वो किसी दो वैल्यूज के गिर्द ऑसिलेट कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है जो अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज है, देखें वो 1 और अगली टर्म है उसकी -1/2, अगली टर्म है +1/3 और अगली है 1/4 एंड सो ऑन। अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट की बात करूं तो वो तो हार्मोनिक सीरीज है और वो हमें पता है कि डाइवर्जेंट है, लेकिन देखें सिर्फ माइनस साइन की वजह से ये कन्वर्ज कर रही है log 2। ठीक है जी। On the other hand, an oscillating series that does not satisfy the condition for the alternating series test. ऐसी oscillating series जो कि alternating series test की किसी condition को satisfy नहीं करती, तो ऐसी series जो है वो diverge कर सकती है। ठीक है जी, कर सकती है, जरूरी नहीं है कि अगर उसने condition को fail किया है तो वो diverge ही करेगी, बल्कि वो diverge हो सकती है, converge भी हो सकती है। Therefore, whether an oscillating series converge भी हो सकती है और diverge भी, depends on the specific series, कि आपके पास series किस तरह की है और उस पर conditions क्या हैं जिनके ऊपर वो oscillate हो रही है। तो पिछली दफा sequence पे concept और था और जो है वो series पे concept और है। Oscillating series भी converge भी हो सकती हैं और diverge भी हो सकती हैं। ठीक है जी, converge के लिए तो आपके पास test मौजूद है और अगर टेस्ट की कोई कंडीशन फेल होती है तो फिर आप कोई और टेस्ट लगाएंगे और उस पर चेक करेंगे कि ये कहीं डाइवर्ज तो नहीं कर रही। ठीक है जी, उसके बाद जो है आपके पास लास्ट कंसेप्ट है इनफिमम एंड सुप्रीमम का, और इंतहाई आसान है। अगर आपके पास कोई एक सेट है जो कि बाउंडेड अबव है,
उसकी अपर बाउंड जो है वो एग्जिस्ट करती है, या कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर जाता है और उस नंबर को हम नाम दे रहे हैं स्मॉल एम का रियल नंबर्स में से, अगर उस सीरीज उस सेट के तमाम एलिमेंट्स उस एक खास नंबर एम से छोटे हो जाते हैं या बराबर हो जाए, अगर वो सेट में होगा बराबर भी हो सकते हैं, अगर उस सेट के तमाम एलिमेंट किसी एक खास नंबर से छोटे हो जाएं, तो वो क्या कहलाती है जी, वो नंबर उसका क्या कहलाता है, अपर बाउंड। और अपर बाउंड्स का अगर हम सेट बना लें, क्योंकि जाहिर है सिर्फ मिसाल के तौर पे एक आप लें सेट लेते हैं 1 2 3 4 5, तो देखें इस सेट के तमाम एलिमेंट 6 से तो छोटे हैं, लेकिन 7 से भी तो छोटे हैं, 8 से भी तो छोटे हैं, तो ये जो 6 7 8 9 एंड सो ऑन सारे हैं, ये तमाम इसकी अपर बाउंड्स बनेंगी। और इन अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटी थी 6, वो इसकी लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटी अपर बाउंड है, और उसका नाम है हमारे पास सुप्रीमम। इसी तरह अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट्स किसी एक खास नंबर से बड़े हो जाएं, तो वो उसकी क्या कहलाती है जी, लोअर बाउंड कहलाती है। और जो लोअर बाउंड्स में से जो सबसे बड़ी वैल्यू हो वो क्या कहलाती है जी, इन्फिमम कहलाती है। अब यहां पर एक सेट है जी 5, तो एमसीक्यूज आया हुआ था एक पीपीएससी में कि एम्प्टी सेट का सुप्रीमम और इन्फिमम क्या होता है, तो डायरेक्ट पूछा गया था, हमें कंसेप्ट हो तो हम लिख सकते हैं कि खाली सेट का जो सुप्रीमम है वो माइनस इन्फिनिटी है। देखिए ऑपोजिट बात है, सुप्रीमम होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो उससे सेट के तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएं, छोटे हो जाएं। तो अब खाली सेट में चूंकि कोई एलिमेंट तो है ही नहीं, हम इधर पुट्ठी बात करेंगे, और वो बात क्या है कि उसका सुप्रीमम है माइनस इन्फिनिटी, कि इस सेट इसमें ऐसे एलिमेंट पड़े हैं के जो माइनस इन्फिनिटी से भी छोटे हैं, तो भाई ऐसे तो एलिमेंट्स होते ही नहीं है, तभी तो पता चला था कि वो खाली सेट है। और इसी तरह इन्फिमम उसका क्या है, यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अब उस सेट में कौन से एलिमेंट होंगे जो इन्फिनिटी से भी बड़े हैं, तो ऐसे तो कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है, इसीलिए तो वो सेट खाली सेट है। तो लिहाजा याद रखेंगे आप, इसका सुप्रीमम जो है वो माइनस इन्फिनिटी होता है और इसका इन्फिमम जो है वो इन्फिनिटी होता है। अच्छा जी, आगे एक ओपन सेट गिवन है माइनस वन और वन। देखें ना तो माइनस वन इसका जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट है, क्योंकि इस सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो माइनस वन से बड़े ही होंगे, तो माइनस वन इसका इन्फिमम है, बेशक वो इस सेट से बिलोंग ना करता हो, और वन इसका सुप्रीमम है। अगला सेट है वो क्लोज है, उसका सुप्रीमम 4 है और इन्फिमम जो है -3, और दोनों ही सेट से बिलोंग करते हैं। इसी तरह अगले सेट में भी आप ले सकते हैं, 3 4 5 में भी देख लें एक सेट है, और लास्ट वाला देखें जरा, -1 की पावर है जी एक्स, तो एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर दो तरह के नंबर होते हैं, या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं, तो जब आप इवन देंगे तो ये प्लस हो जाएगी, इस सेट में 1 आ जाएगा +1, और अगर इसकी पावर जो है वो ऑड होगी तो -1 आ जाएगा। तो इस सेट में दो ही तो एलिमेंट पड़े हैं, एक 1 पड़ा है और एक -1 पड़ा है, लिहाजा इसका छोटा एलिमेंट जो है वो इसका इन्फिमम हो जाएगा, और इसका जो बड़ा एलिमेंट है वो इसका सुप्रीमम हो जाएगा। मैं आपको इसके बाद जो है वो एमसीक्यूज हैं कुछ, मैं सुप्रीमम और इन्फिमम के मुतल्लिक भी आज आपको थोड़ा सा डाटा ग्रुप में भेजूंगा, जो मुझे नहीं लग रहा था कि ये लेक्चर में समझाया जाए, या वो इतनी सिंपल सी बातें हैं लेकिन उसके रिजल्ट हैं ये सुप्रीमम और इन्फिमम के, कि एक सेट पे जो है वो किस तरह से वो वेरी करते हैं, अगर उसमें थोड़ी सी चेंजिंग लाई जाए उसके सुप्रीमम पे क्या इफेक्ट पड़ता है और उसके इन्फिमम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो डाटा भी मैं आपको जो है वो ग्रुप में शेयर कर देता हूं। आप उसके मुतालिक जो भी सवालात हो वो मुझसे ग्रुप में ऑडियो में जो है वो पूछ सकते हैं, तो फिर हम जो है उसके वो जवाब वहां पर दे लेंगे। और मैं अगर आप ये एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं और अच्छा काम कर लेते हैं, तो फिर मैं इसी तरह कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो सुप्रीमम और इन्फिमम के मुतल्लिक भी आपको, ये इसके भी एमसीक्यूज पीपीएससी में होते हैं, तो वो पेपर वाले ही कोशिश करूंगा कि आपको भेजूं, ताकि आप देख सकें कि किस टाइप के एमसीक्यूज होते हैं। अब एमसीक्यूज में देखें, ये पहला एमसीक्यूज है कि बताएं
कौन सी डाइवर्जेंट है और कौन सी जो है वो डाइवर्जेंट नहीं है। तो अब ये आप सोचेंगे, ये आपका काम है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मौजूद हैं जो आपके कंसेप्ट को जो है वो रिवाइज करवाएंगी। जैसे अब ये एमसीक्यूज है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये कौन सा थ्योरम है। ये है जी बोल्ज़ानो वर्सेस थ्योरम, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्या बोला कि हर बाउंडेड सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर मौजूद होगी। ठीक है जी, इसी तरह जो है वो मजीद एमसीक्यूज भी इसमें मौजूद हैं। तो इसको आप जो है वो सॉल्व करके मुझे इसके जवाबात ए बी सी डी अपना नाम लिखेंगे पेज के ऊपर, और इसके जवाब सॉल्व करने के बाद आपने नेट से नहीं देखना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं ताकि मुझे समझ आए आपको टेस्ट कितना समझ आया है। जो सा एमसीक्यूज आपका गलत होगा उसके मतलब मैं आपको ऑडियो में समझा दूंगा कि आपने इसको किस तरह से टैकल करना था। तो अब इसका मकसद आपको ये सिखाना है कि आप एमसीक्यूज कैसे टैकल करेंगे, उसका कैसे ठीक ऑप्शंस जो है वो ठीक होगा। बेशक आपको उसके मतलब नॉलेज हो या ना हो, लेकिन आप ठीक जवाब के ऊपर कैसे पहुंचेंगे, तो ये तमाम बातें जो है वो हम अपने ग्रुप्स में करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो लेक्चर के मतलब अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अब जो है वो आप पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक भी लाजमी दिया करें क्योंकि रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं और हम YouTube पे डालते हैं, तो फिर उसका जो है वो हमें भी फायदा होगा। आपको ये फायदा होगा कि हमारी हौसला अफजाई होगी, और हौसला अफजाई करना किसी मुसलमान की वो अल्लाह तबारक ताला उसके बरक्स आपको नेकियां देगा, नेकियां इकट्ठी होंगी, आप जन्नत में जाएंगे, जन्नत बेहतरीन फल है। चलें जी, अब आप जो है वो क्वेश्चंस पूछें। अस्सलाम वालेकुम।